हेलो, ये काइट ये मैंने बनाई है। देखिए, हाउ ब्यूटीफुल। सी, यू कैन मेक दिस एट योर होम। ये काइट मैंने बनाई है अपने चैप्टर सुंदरी के लिए। दिस इज माय सुंदरी, माय ब्यूटीफुल काइट। सी, सो ब्यूटीफुल। सी, सो नाउ वी विल रीड द चैप्टर सुंदरी। सुंदरी, रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। सुंदरी वॉज अ बिग रेड, व्हाइट एंड ब्लू काइट। व्हेन बॉबी मेड हर, शी स्माइल्ड एट हिम। यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। वन डे बॉबी टुक सुंदरी to the fair. The band was playing and everyone was smiling. A merry-go-round was playing a happy little tune. It was king carrying lots of boys and girls around and round on its wooden animals. Bobby looked for an open place. Space. Where he could run and fly his kite. Sundari looked too. Out in the grass ran Bobby, holding up his kite as high as he could. Puff, the wind came along. Sundari started to fly up, but she could not go very high. A little dog was holding on to her long tail. It was in his mouth. Bobby shoot the dog away. We will try again, Bobby said. This time Sundari leaped up in the air. She tugged hard. Oh, how she wanted Bobby to let go of her string. She gave a big tug. Bobby had to let her go. Whee! Cried Sundari. Now I can fly as high as I please. And away she went. She flew up, up, up in the air. चलो बच्चों, अब इसकी हम मतलब समझते हैं। देखिए, इसमें सुंदरी इज अ काइट। दिस चाइल्ड हैज मेड सच अ ब्यूटीफुल काइट। इट हैज थ्री कलर्स, ब्लू, रेड एंड व्हाइट कलर। यू कैन सी दिस, यू कैन ऑल्सो मेक दिस काइट लाइक दिस। वी हैव मेड दिस काइट, इट इज अ येलो काइट। सुंदरी वॉज अ बिग रेड, व्हाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी एक रेड कलर, व्हाइट और ब्लू कलर की काइट थी। व्हेन बॉबी मेट हर, शी स्माइल्ड एट हिम। जब बॉबी ने बनाई किसी एक काइट, तो काइट उस पे देख के हंसने लगी। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। फिर उसने कहा, तुम बहुत ब्यूटीफुल, मतलब खूबसूरत हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। उसने कहा, मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। ये है फेयर, फेयर माने मेला। तो बॉबी ने सुंदरी को द फेयर में ले चला। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। बैंड क्या होता है? गाने वाली मंडली, एक म्यूजिक बैंड। म्यूजिक बैंड बज रहा था और सब लोग हंस रहे थे। जैसे कि कोई गिटार बजा रहा है, कोई डमरू बजा रहा है, ऐसे होते हैं ना, आपने देखा होगा।
A merry-go-round was playing a happy little tune. It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. Up. ये देखिए merry-go-round भी था वहां पे. आप भी बैठे होंगे ना झूलों पे. इन झूलों पे जब आप मेले में जाते हैं दशहरे के मेले में तो कितना मजा आता है. मेरी गो राउंड पे हम किस पे बैठते हैं? वुडन के एनिमल्स पे. तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे वो खेल रहे थे. जैसे घोड़े में बैठते हैं ना हम लोग. बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन प्लेस स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट. सुंदरी लुक टू. बॉबी ने देखा कोई खुली जगह जहाँ वो जाकर अपनी काइट को उड़ा ले. और सुंदरी ने भी देखा. आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड. उसने बाहर जगह देखी ओपन स्पेस और बहुत कोशिश करी कि वो उसकी काइट जितनी ऊंची उड़ सके उतनी उड़ जाए. ये देखिए ऐसे उड़ रही है. पफ केम द विंड अलोंग. उसके बाद विंड आ गई और हवा से और तेज उड़ने लगी वो काइट. सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई. अब सुंदरी ने भी उड़ना शुरू कर दिया मगर वो बहुत ऊपर नहीं उड़ पाई. लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल. इट वॉज इन हिज माउथ. क्योंकि वो क्यों ऊपर ज्यादा नहीं उड़ पाई? क्योंकि एक डॉग उसको पकड़ा हुआ था. उसकी टेल को पकड़ा रखा था. ये देखिए पकड़ा हुआ है ना. वो उसके माउथ में था. माउथ मतलब मुंह जिससे हम बोलते हैं. बॉबी शूट द डॉग अवे. वी विल ट्राई अगेन बॉबी सेड. अब क्या हुआ? बॉबी ने कुत्ते को भगा दिया और उसको बोला कि हम दोबारा ट्राई करते हैं. दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर. शी टक्ड हार्ड. सुंदरी जो थी इस टाइम बहुत ऊपर चली गई और उसने बहुत कोशिश करी कि वो जो बॉबी है उसकी स्ट्रिंग छोड़ दे. शी गेव अ बिग टग. टग माने झटके से खींचने की कोशिश कर रही थी. बहुत तेज जा रही थी वो ऊपर. ओ हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग. वी क्राइड सुंदरी. नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज. एंड अवे शी वेंट. She flew up, up, up in the air. तो उसने था बॉबी ने उसकी डोरी छोड़ दी और डोरी छोड़ते ही बहुत ऊपर बहुत ऊंची वो फ्लाइट काइट जाने लगी. बहुत ऊपर चली गई. बाद में छोटी होके आसमान में दिख रही थी. तो बच्चों अब हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे. इसमें पहला वर्ड है बैंड. बैंड बैंड मतलब गाने वाली मंडली. डिजी डिजी मतलब सिर चकराना. स्माइल मतलब हंसना. स्ट्रिंग ये डोरी होती है उसको कहते हैं स्ट्रिंग. टग झटके से खींचा. विंड मतलब हवा. लेट्स रीड. आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड. यानी जब मैरी गो राउंड पर हम बैठे होते हैं हमें चक्कर आने लगता है. जो गोल गोल घूमता है ना. द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून. जो गाने की मंडली थी वो एक ट्यून माने धुन बजा रही थी. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. रीडिंग इज फन. ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स है. हु मेड सुंदरी. बॉबी मेड सुंदरी. व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी. बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज She was very beautiful. बहुत खूबसूरत थी ना. Did Sundari fly very high at first? No, Sundari did not fly very high at first. सुंदरी क्या पहले बहुत तेज उड़ी थी हाई? नहीं, बार वो पहले हाई नहीं उड़ी थी.
What made Sundari really happy? Sundari became happy when Bobby let her go and fly high. सुंदरी बहुत खुश तब हो गई थी जब बॉबी ने उसकी स्ट्रिंग को छोड़ दिया था. वो बहुत 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 ऊंची उड़ गई थी. Do you like to fly kites? अब बच्चों बताइए आपको काइट्स उड़ाना पसंद है. मैंने तो लिखा yes. Yes, I like to fly kites. Who helps you to fly kites? My father helps me. टू फ्लाई काइट्स. मेरे पापा मेरे हेल्प करते हैं. ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. हु वॉज होल्डिंग ऑन द काइट्स लॉन्ग टेल? अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन द काइट्स लॉन्ग टेल. वॉट वॉज मैरी गो राउंड डूइंग? मैरी गो राउंड वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑन its wooden animals. What were the colors of Sundari? The colors of Sundari were red, white and blue. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जरूर थे, आप कर लीजिएगा. तो अब हम करने जा रहे हैं थोड़े बहुत MCQs. Okay. Who was beautiful? अब बच्चों बताइए सुंदरी ब्यूटीफुल थी या बॉबी या डॉगी? बताओ. हाँ सुंदरी थी ना. तो हम किस पे टिक करेंगे? इस पे. मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून या अ सैड ट्यून? नथिंग. तो इसमें आंसर आएगा अ हैप्पी लिटिल ट्यून. Who was holding Sundari? Bobby या dog? तो Bobby पकड़े था सुंदरी को.